एक और सवाल है भाई का कि मेरे हलक के अंदर जो है वो बलगम और रोजे की हालत में ये चीजें मैं बार बार अगर इंटेक करता हूँ और मेरे हलक के अंदर जाती हैं तो ये इससे मेरे रोजे पे असर पड़ता है नहीं पड़ता। तो इसमें एक चीज आप ये जान लीजिए, जो चीज अंदर ही अंदर जिस तरह आपका थूक है आपका बलगम है अगर ये आपके गले से नीचे जाता है तो ये रोजे को नहीं डिस्टर्ब करता, रोजा इससे नहीं टूटता। और दूसरी वो चीज जो इंसान के खारिज से जो इंसान एक्सटर्नली यूज करके उसके हलक तक जाती है और वो खाने पीने की अशिया नहीं है तो इंशाल्लाह उससे भी रोजे में फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिवाक जो मिसवाक है उसको इस्तेमाल किया और मिसवाक जो है वो डिफरेंट दरख्तों की होती थी और उसके अंदर एक पेस्ट होता है उसके अंदर रेशा भी होता है और जाहिर सी बात है इंसान जब मिसवाक को इस्तेमाल करता है तो उसके हलक के अंदर भी थोड़ा उसका टेस्ट जो है वो जाता है। लेकिन चूंकि ये खाने पीने की चीजें नहीं है और इससे इंसान की सेहत और इंसान के रोजे में फर्क नहीं पड़ना चाहिए तो इसी पर कयास करते हुए उलमा ने आई ड्रॉप्स और ईयर ड्रॉप्स को भी अलाउ किया है और कुछ उलमा ने जो टूथपेस्ट है वो रोजे की हालत में उसको भी इजाजत दी है कि इंशाल्लाह ये रोजे पर असरअंदाज नहीं होगा क्योंकि ये खाने पीने की चीज नहीं है, ये गिजा नहीं है। और आप आंखों में ड्रॉप्स डालें, आप कानों में ड्रॉप्स डालें या फिर आप टूथपेस्ट करें तो अगर हलक में थोड़ा बहुत टेस्ट आ भी जाए तो इस तरह टेस्ट आपके जो है वो क्योंकि ये खाने पीने की चीजें नहीं है तो इंशाल्लाह इससे रोजे पर असरअंदाज नहीं होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।